हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा बीए प्रथम वर्ष। ये आपका प्रथम पेपर है और इसमें आज आपको हम पढ़ाएंगे संक्रामक रोग। देखिए, संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस डिजीज यानी कि जो बीमारियां हमें इन्फेक्शन द्वारा फैलती हैं उनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि संक्रामक रोग क्या है। तो बच्चों, संक्रामक रोग जो है ये हमारे तीन प्रकार से फैलते हैं। हमारे मनुष्य के शरीर में ये वातावरण द्वारा या शरीर वातावरण से संक्रमण को प्राप्त करके ये हमारे शरीर में तीन तरह से प्रवेश करते हैं और फिर हमें संक्रमण हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा हम तीन प्रकार जानेंगे। सबसे पहले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और फिर है आपका विषाणु यानी कि वायरस, तीसरा है रोगाणु यानी कि जर्म्स। बच्चों, ये तीन प्रकार से हमारे शरीर में वायरस, बैक्टीरिया, वायरस और रोगाणुओं द्वारा शरीर में संक्रमण पहुंचता है। ये जीवाणु, इस तरह के जीवाणु यानी कि ये इनसे शरीर में पहुंच कर रोगग्रस्त कर देते हैं। इनसे उत्पन्न जीवाणु, विषाणु और रोगाणु हमारे शरीर में पहुंच करके हमें रोगग्रस्त कर देते हैं, और ये रोग, इनसे जो रोग उत्पन्न होता है उनके लक्षणों की और उनके प्रकार को जान करके हम उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि जीवाणुओं द्वारा रोग होता है, जैसे चेचक है, ये आपके हैजा है, टाइफाइड है, विषाणु द्वारा से चेचक है, खसरा है, और रोगाणुओं द्वारा जैसे कि आपका दादभाज खुजली है। अब हम देखेंगे कि इसी आधार पर औपसर्गिक रोगों को दो भागों में बांटेंगे हम, संक्रामक रोग और संसर्गज रोग, यानी कि संक्रामक रोग और कॉन्टीकोशियस डिसीज, जिसमें हम दो तरह का संक्रमण देखेंगे। संक्रामक रोग जो रोग जल वायु भोजन द्वारा फैलते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। जो रोग जल वायु भोजन द्वारा शरीर में फैलते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आपका हैजा है, ये रोग के नाम है, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, और तपेदिक है, खसरा जिसको हम मीजल्स भी कहते हैं। तो इस तरह के हमें जो है रोग संक्रामक रोग भोजन के द्वारा, और संसर्गज रोग वह रोग होते हैं जिसमें रोगी के संपर्क अथवा